नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमंडा। सबसे पहले बात करेंगे मोतिहारी की, जहां आफत की बारिश ने किसानों के फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक बार फिर मौसम ने करवट ले लिया, जिस कारण कई जगहों पर बर्फबारी भी जमकर हो रही है। तस्वीर मोतिहारी की, जरा देखिए जमीन पर किस तरह से बर्फ की चटाई बिछ गई है। वहीं दूसरी ओर इस बर्फबारी से किसानों के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मैं विश्वनाथ सिंह, कुशवाहा तुरकौलिया नया टोला। ओलावृष्टि से सबसे ज़्यादा आलू, गोभी, मकई, सरसों, धनिया, लहसुन सबका बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ है। मकई, धन्यवाद। नालंदा में आम बजट के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने पीएम, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन आम बजट के विरोध में किया गया। हाँ सर, किस कारण आप पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, यह जो बजट आया है, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, बेरोजगार विरोधी, आर्थिक तौर पर पंगु कर देने वाला, 80% जनता को पंगु बनाने वाला यह बजट लाया है। इसके विरोध में आज हम लोग वित्त मंत्री सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जो समर्थन किए हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इसका हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। इस बजट का हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, मजदूरों के हित में और रोज कमाने खाने वालों के हित में संसाधन जुटाकर बजट में संशोधन करो, तब हम लोग इसका जो है समर्थन करेंगे। अन्यथा लगातार पूरे देश के अंदर हम लोग आंदोलन चलाएंगे और विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों और मजदूरों के हितों में जब ये बजट लाएगा, इसके लिए ये जो लाया है बजट किसान विरोधी, 80% जनता के विरोधी में, इसलिए हम लोग आज इन लोगों का, तीनों का पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर प्रसाद। क्या हुए आप? हम हैं भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव और राज परिषद के मेंबर हैं। मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां निगरानी विभाग पटना द्वारा मोतिहारी रजिस्ट्री ऑफिस में छापेमारी की गई, जिसमें निगरानी विभाग ने रजिस्ट्रार ब्रज बिहारी सहाय को हिरासत में लिया। वहीं निगरानी की टीम द्वारा रजिस्ट्रार के मोतिहारी स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई। जिला मोतिहारी में जिला उप रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार श्री ब्रज बिहारी शरण, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में। उसी के आलोक में इनके कार्यालय और इनके आवास पर, सरकारी आवास पर तथा पटना में दो अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में बहुत सारे कागजात बरामद हुए हैं, निवेश के, ज़मीन से रिलेटेड कागजात बरामद हुए हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया के उपरांत आकलन करके स्पष्ट हो जाएगा। क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद आलम, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो। क्या नाम हुआ सर का? क्या आप सर का क्या नाम? हेलो, विजिलेंस टीम से। जी सर, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना से। थैंक यू। क्या सर नाम हुआ सर? दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। बताया गया कि ये लोग सासाराम में किराए के मकान को लेकर रह रहे थे और आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे थे। कल दिनांक 3 फरवरी 2022 को प्रातः लगभग 5:30 से 6 बजे मेरे दरिगांव थाना प्रभारी वहां पर गश्ती और रेड के क्रम में जा रहे थे, जिस क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि समृद्धि होटल जो है उसके सामने NH2 पर एक कंटेनर से
के से कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना कारित किया जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस टीम वहां पर पहुंची और पुलिस टीम को देख करके दो अपराधी भागने लगे, जिसके पीछे पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया। और जो SHO दरीगांव है दिवाकर प्रसाद, वो ट्रक पे के आसपास जांच कर रहे थे, जिस क्रम में ट्रक के अंदर से एक अपराधी जो ट्रक के अंदर छुपा हुआ था वो निकला और उसको धरपकड़ किया गया। जिस क्रम में धरपकड़ के क्रम में जो उक्त अपराधी है उसके द्वारा गोली चला दिया गया, जिस जो SHO दरीगांव को लगा, जिसके कारण वो घायल हो गए और वो अपराधी वहां से भाग गया। वहां पर अपराधकर्मियों के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा था वो मोटरसाइकिल वहां से बरामद किया गया और उस मामले में जो अपराधकर्मी हैं उनके शिनाख्त करने के लिए तथा उनकी गिरफ्तारी करने के लिए SDPO सासाराम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध थे उसके आधार पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पता किया गया कि जो अपराधी कौन से अपराधकर्मी शामिल हैं, तो उसमें सुभाष कुमार तथा सिराज अली इनको गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये जो अपराधकर्मी हैं इनके इन्होंने एक गिरोह बनाया हुआ है और ये सभी सासाराम के बाहर के अपराधकर्मी हैं और कुछ उसमें सासाराम के लोकल भी हैं और जिनके द्वारा किराए पे रहते हैं और वहाँ से जो NH2 पर खास करके लूटपाट की घटना कारित करते हैं। पिछले दिसंबर में 29 तारीख को माउंटेन व्यू होटल के पास भी एक ट्रक में जो चालक थे उनसे लूटपाट के क्रम में उनको गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उस मामले में भी इनके द्वारा अपनी जो संलिप्तता है वो स्वीकार की गई है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में रोहतास पुलिस के द्वारा न सिर्फ लूटपाट की घटना। जहानाबाद में इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल छात्र को उसके तीन दोस्तों ने एक टेम्पो से लाया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम की लापरवाही के कारण मौत हो गई, तो वहीं नर्सिंग होम संचालक का कहना है कि घायल छात्र को लेकर उसके तीन दोस्त यहाँ आए और उसे छोड़कर फरार हो गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।